SBN University, the best university in Sagar Sambhag. Address SBN University, NH26, Narsingpur Road, Sironja, Sagar, Madhya Pradesh. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सरकार बचाने और बनाने के लिए भगवान की शरण में पहुंचे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने घर पर सुबह 1 घंटे पूजा पाठ किया, तो वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ भोपाल के गुफा मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने भगवान हनुमान जी के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। मंदिर में दर्शन के पहले कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश की जनता गरीब हो सकती है लेकिन मूर्ख नहीं हो सकती है। उन्हें अपना भविष्य पता है और वह इसी तरह से वोट करेंगे। एक जब कोई पार्टी चुनाव हारती है तो सब चीजों का उपयोग करती है, पर जब कोई पार्टी पिटती है तो कोई कसर नहीं छोड़ती। प्रशासन, पुलिस, पैसा, शराब, सब कुछ का उपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि उन्हें एहसास हो रहा है, जनता का मन का एहसास हो रहा है कि मध्य प्रदेश के मतदाता सीधे साधे हैं, सरल स्वभाव के हैं, भोले भाले हैं, पर मूर्ख नहीं है। और जिस प्रकार उनके साथ 15 साल धोखा हुआ, जिस प्रकार उनके साथ 8 महीना मध्य प्रदेश के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, सौदे की सरकार बना के, बिकाऊ सरकार बना के, ये मध्य प्रदेश के मतदाता और खास 28 सीटों के मतदाता कभी स्वीकार नहीं करेंगे। दित्ता झूठ बोलने शिवराज जी, शिवराज सिंह जी का सहारा केवल झूठ बचा है, झूठ और घोषणाएं। इसके अलावा उनके पास पिछले 6 महीने में कुछ नहीं बचा था। आज वो झूठ और वो घोषणा का परिणाम अब 10 तारीख को मध्य प्रदेश की जनता देगी। सर, आप मंदिर जाते थे, मंदिर जाते रहे? मैं मंदिर, हनुमान जी की कृपा रही है, हनुमान जी के मंगलवार को मतदान है, हनुमान जी के मंगलवार को गिनती है, हनुमान जी की कृपा मध्य प्रदेश पर बनी रहेगी और मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश का विकास का, मध्य प्रदेश के नौजवानों की, के भविष्य की सुरक्षा का, हमारे कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने का ये मौका मध्य प्रदेश के मतदाता कांग्रेस को देंगे। सर, शिवराज जी की घोषणा अभी बने नहीं हो रही, कल ही बोला कि नवजात पे कानून बना, चुनाव खत्म भी हो जाएगा फिर भी वे घोषणा करते रहेंगे। अब करें क्या, क्योंकि इसी से उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। गोलियां वोलियां चल रही है उसके विषय पर? मैं उसकी पता चला रहा हूँ कि गोलियां चले या ये सब भी, मैंने कहा सब चीजों का ये उपयोग करेंगे, पर जनता बहुत समझदार है। तो वहीं शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मतदान लोकतंत्र की आत्मा है, मतदान करने से ही लोकतंत्र मजबूत होता है। सभी मतदाताओं से निवेदन करता हूँ कि निष्पक्षता और निडरता के साथ मतदान करें। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, भांजे और भांजियों, आज उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है। मतदान ही लोकतंत्र की आत्मा है, मतदान से लोकतंत्र मजबूत होता है। मेरा आपसे निवेदन है, निष्पक्षता और निडरता के साथ मतदान जरूर करें और अपनी अपेक्षाएं पूरी करने वाली सरकार चुने। याद रखिए, आपका एक एक वोट लोकतंत्र को मजबूती देगा। अगर अभी तक वोट नहीं डाले तो निकलिए, मतदान कीजिए, आओ बनाए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। धन्यवाद।
स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय सागर। कैंपस स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय NH 26 नरसिंहपुर रोड सिरोंजा सागर। हमारा नंबर है 07582281000।